6 महीने बीत जाने के बाद भी बेटे को नहीं मिला न्याय। मां दर दर भटकने को मजबूर। कानपुर नगर के कल्याणपुर थाना पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां 6 माह पूर्व युवक की हत्या की घटना के मामले में पुलिस ने 6 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक चार्जशीट तक दाखिल नहीं की है। साथ ही साथ पीड़ित परिवार न्याय के लिए पुलिस चौकी और आला अधिकारी के कार्यों के चक्कर लगा कर थक चुका है। आपको बताते चले कि पूरा मामला कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र इलाके का है, जहां रहने वाले तन्मय तिवारी की बीते दिनों 22 जनवरी को आवास विकास इलाके में मृत अवस्था में शव बरामद हुआ था, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पूरे मामले में हत्या का आरोप लगाते हुए परिवार वालों ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। तन्मय एक प्राइवेट स्कूल में चौकीदार के पद पर काम कर रहा था। बेटे की हत्या के मामले में परिवार वालों ने जब CCTV देखा तो दो लोग भी मृतक के पास नजर आए थे, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस से अनीता पांडे नाम की महिला और दीपांशु कुशवाहा निर्मल यादव पर हत्या करने का आरोप लगाया। मगर पुलिस ने इस मामले में तहरीर लेकर पूछताछ करके सभी को थाने से ही छोड़ दिया। तब से लेकर पीड़ित परिवार बेटे के लिए न्याय गुहार लगाता हुआ थाने और पुलिस चौकी के चक्कर लगा रहा है। मृतक तन्मय की मां ने तो उनका कहना है कि पुलिस ने घटना के साल भर बीतने के बावजूद भी अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं की है और अब उन्हें अपने बेटे को न्याय मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। पीड़िता का कहना है कि वो थाने और पुलिस चौकी के साथ साथ पुलिस के बड़े आला अधिकारियों के भी चक्कर लगा कर थक चुकी है और उन्हें कहीं से भी न्याय नहीं मिल रहा है। मेरा नाम मीना तिवारी। क्या हुआ था मामला, कब की घटना है? 7/12/22 की है। मेरे बेटे का अपहरण हो गया था। कल वो कॉलेज दोस्तों के साथ कैंपस आया, पार्टी में आया था शादी में, वहाँ से अपने दोस्तों के साथ कैंपस के चला गया। कैंपस में पता नहीं वो गेट के अंदर गया है, लेकिन उसके अंदर गेट के अंदर जो गेट मैंने पता नहीं उसे क्या कह दिया है, गेट के अंदर गया, उन्होंने क्या ऐसी लगनी बात की है कि भगा दिया उसको, क्या कहा तो बाहर निकल आया, जबकि वो वहीं पे जॉब करता था, वो 24 घंटे वहीं रहता था। लेकिन वहाँ के सब गार्ड ये कह रहे हैं विनायक तुम्हें कमरे का किराया का कमरा ले कर रहता था, ऐसा कुछ नहीं है, वो परमानेंट कॉलेज में ही रहता था। इसके बाद में जब मेरा बेटा 7 तारीख को गायब हो गया, मैंने सुबह उसकी छानबीन की, पता लगाया, तो इसके बाद में 9 तारीख को गुमशुदगी दर्ज करवाई कल्याणपुर थाने में। मैं थाना चौकी करती रही, कुछ कार्रवाई नहीं। फिर 16 तारीख को मैंने FIR दर्ज की। इसके बाद थाने चौकी बताते रहे, चौकी जाए तो चौकी इंचार्ज ना मिले, थाने जाए तो इंस्पेक्टर साहब ना मिले। मैं बहुत परेशान होकर के 21 तारीख को मुझे इंस्पेक्टर साहब मिले। हमने उनसे कहा कि हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरा इकलौता बेटा है, 7 तारीख से गायब है, आज 15 दिन होने जा रहे, मेरे बेटे का कोई पता नहीं चल रहा, आप लोग क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। उन्होंने हमसे कहा कि आप आज कल आप आइएगा 11 बजे। मैं नीता पांडे से पूछताछ करता हूँ। मैं 11 बजे पहुँच गई, इंस्पेक्टर साहब मुझे नहीं मिले। मैं वहाँ 1.5 घंटे लग बैठ के थाने में रोती रही, इंतजार करती रही, परेशान रही, इंस्पेक्टर साहब नहीं मिले। मैं 2:30 बजे अपने घर पहुँच गई, तब मुझे सूचना दी गई, हमने 21 तारीख को इंस्पेक्टर साहब से कहा मेरा बेटा जिंदा या मुर्दा जैसा वैसा मिल जाए मैं तसल्ली कर लूँगी। इंस्पेक्टर साहब बोले कि चलो ठीक है। 22 तारीख को मैं पहुँच गई थाने, मुझे इंस्पेक्टर साहब नहीं मिले। मैं 2:30 बजे अपने घर पहुँच गई पूरा। जैसे मैं घर पहुंची वहाँ मेरे पास सूचना गई पुलिस द्वारा कि आपके बेटे की बॉडी मिली हुई है। मैं वहाँ से जब तक बॉडी के लिए आई, इंस्पेक्टर साहब ने मुझे 21 तारीख को कहा, 22 तारीख को मुझे बॉडी मिल गई, बिल्कुल चौकी के सामने, चुनरी चौकी के सामने मिल गई। मैं वहाँ जब तक पहुँची तक से पिंडी मेरे बेटे की पोस्टमार्टम भेज दी गई, पूरी रात वहीं बॉडी मेरे बेटे की पड़ी रही। सुबह 1 नंबर पोस्टमार्टम में था, लेकिन पुलिस ने शाम को 5 बजे बॉडी मुझे दी है। पुलिस की ये मिली भगत के अपराधियों से मिल के पैसा लेके ये सब केस दबाने की कोशिश की। मैं बार बार दौड़ती कभी से ना ऑफिस जाती हूँ, विकास कुमार पांडे जी को अप्लीकेशन दी, विजय ढुल जी को दी, थाने दी, कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं ये चाहती हूँ मेरे बेटे का न्याय मिल जाए, मेरा इकलौता बेटा। आज मुझे 9 महीने होने जा रहे हैं, 7 तारीख 7 सितंबर से 9 महीने हो जाएंगे, कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई अपराधी पकड़ा गया, ना कुछ। पुलिस वाले जब कहो तो इंस्पेक्टर साहब कहते कोई साक्ष नहीं है,
जबकि नाम दर्ज मैंने रिपोर्ट दर्ज की थी। अनीता पांडे खुद अपने बयानों में फंसी थी कि मैं 11:30 मेरे घर आया, जबकि मेरे बेटे का गला दबा के मौत हुई है। इंस्पेक्टर साहब और पुलिस कह रहे कोई स्पष्ट नहीं हुआ कि इसकी मौत कैसे हुई है, जबकि इसका गला दबा के मौत हुई है, उसके जीभ निकली थी। कहां जा चुकी है? अभी मैं कमिश्नर ऑफिस गई, मैं वहाँ पर राजपाल जी आ रहे थे, मैं काफ़ी देर लग वेट किया, मुझे वहाँ कोई नहीं मिला, मैं वहाँ से वापस आ गई। मैं ये चाहती हूँ मेरे न्याय नहीं मिला फिर क्या करेंगे? अगर मेरे मुझे न्याय नहीं मिला तो हम और मेरे पति दोनों आत्महत्या कर लेंगे, हम जी के करेंगे क्या? मेरा इकलौता बेटा था वो तो मर गया, उसको अपराधियों ने मार डाला, सब केस दबा दिया पुलिस ने मिल के, मेरे यहाँ कोई दौड़ने वाला नहीं था, इसीलिए सब मेरे साथ हुआ। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो हम दोनों लोग आत्महत्या कर लेंगे, हम जी के क्या करेंगे बताओ?